मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन शिवाजी इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। बिफोर स्टार्टिंग आवर पीरियड, बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास, लेट्स टेक अ 1 मिनट ब्रेक, ओके? सो व्हाट वी डू, यू नो ना, टेक दिस पोजीशन एंड देन इनहेल एंड एक्सहेल, ओके? स्टार्ट विद इट, क्लोज योर आई and now be relaxed and start. Inhale, exhale, inhale, exhale. In our previous classes, we have learned and read chapter 3 शब्द विचार। बच्चों, उस कक्षा में मैंने आपको शब्द विचार के बारे में बता दिया था, ओके? तो आज इसके साथ ही मैंने आपको होमवर्क भी क्या दिया था, मैंने होमवर्क भी आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने के लिए दी थी और मुझे आशा है कि आपने अपना काम कर लिया होगा। आई होप We all have done your work very neatly and you learned chapter, okay? So students, शब्द विचार, इस चैप्टर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आइए एक बार ब्रीफ समरी देखते हैं। शब्द क्या होते हैं मैंने बताया था, एक या एक से अधिक वर्णों को के मेल से बने वर्णों के साथ हर मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द चार प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। फिर हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर, जन्म के आधार पर, यानी उत्पत्ति मतलब जन्म के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, तत्सम शब्द, सॉरी इसके चार भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। मैंने ये सब आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर मैंने आपको बताया था कि तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगपूर्ण शब्द। इसके बाद आया था अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर मैंने कितने भेद बताए थे, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इसके बाद प्रयोग के आधार पर बताया था कि शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अधिकारी शब्द। विकारी और अधिकारी शब्द मैंने आपको हर एक शब्दों का प्रत्येक भाग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आप, मैं देखती हूँ कि एक्सरसाइज आपने कैसे की है। इसमें पहली एक्सरसाइज थी, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो कल हमने पूछा गया है एक या एक से अधिक वर्णों के, पहला ऑप्शन है समूह को शब्द कहते हैं, समूह को शब्द कहते हैं, समूह को अक्षर कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। बच्चों, अभी मैंने जब आपको
शब्द की परिभाषा बताई थी, तो मैंने अभी भी रिपीट किया था कि एक या एक से अधिक वर्णों, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल समूह को शब्द कहते हैं। केवल वर्ण के मिल जाने से नहीं बनता, कैसे बनता है? सार्थक मेल होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसके बाद खाखा में पूछा गया है, हिंदी भाषा में शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, चार वर्गों में बांटा गया है या छह वर्गों में बांटा गया है। अभी बच्चों मैंने आपको रिवीजन कराया और बताया कि हिंदी भाषा में शब्दों को चार वर्गों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन सही है, चार वर्गों में बांटा गया है। गा नंबर है आपका, यौगिक शब्द वे होते हैं जो, यौगिक शब्द वे होते हैं। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या क्या दिए गए थे? एक से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, या सार्थक खंडों में नहीं बांटे जा सकते, या तीसरा ऑप्शन है सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? मैंने पहले ही बताया था, यौगिक योग से बने जो एक या एक से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हो। तो इसका आंसर पहला सही है। इसके बाद घा नंबर है आपका, वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल आदि के कारण बदल जाता है वे अधिकारी शब्द कहलाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं या विकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि वे शब्द जो जिनका लिंग वचन काल कारक के प्रभाव से बदल जाते हैं क्या होते हैं? वे विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब आपको अंगा में पूछा गया है कि जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं होता, जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं होता, पहला ऑप्शन है सार्थक शब्द कहलाते हैं, दूसरा है निरर्थक शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों आइए हम मैच कर रहे हैं। बच्चों पहला जो हमारा अभ्यास था सही विकल्प चुनने के, एक बार और उत्तर उसके हम देख लेते हैं। तो पहले का जो का नंबर है उसका आंसर तीसरा सही होगा, जो खा है उसका दूसरा सही होगा, गा का पहला आंसर सही होगा, घा का तीसरा आंसर सही होगा, और जो हमारा अंगा है उसका हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा कि निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं पहला बार भी पढ़ रही हूँ, का नंबर, का नंबर में क्या दिया गया है? पंकज और दशानन डैश शब्द है। पंकज और दशानन, अब पंकज और दशानन शब्द कैसे शब्द है आपको ये बताना है। मैंने जब आपको समझाया था शब्दों के बारे में तब बताया था, देखिए पंकज, इससे पंकज क्या है? पंक और जा शब्द से मिलकर बना है, और दशानन दस और आनंद से बना है, और ये दोनों ही शब्द क्या कर रहे हैं? जुड़कर किसी नए अर्थ का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द है। तो आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे? योग रूढ़। ठीक है, इसके बाद खा नंबर में कह रहे हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द है। अब बताइए संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये कैसे शब्द है? ये विकारी शब्द है, क्योंकि इन पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ने से ये क्या हो जाते हैं? इनका रूप बदल जाता है। ठीक है, फिर गा नंबर पूछ रहा है कि रूढ़ शब्दों के टुकड़े कर देने पर इनका कोई नहीं निकलता है। जो रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द मूल शब्द होते हैं, तो इनके तो और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर टुकड़े कर देंगे तो क्या होगा? इनके अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसमें फिर करेंगे हम अर्थ कि रूढ़ शब्दों के टुकड़े कर देने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब देखिए घा नंबर में है संबंध बोधक शब्द है। संबंध बोधक कैसे शब्द है? निरर्थक, सार्थक कैसे शब्द है, या विकारी या अविकारी? तो संबंध बोधक क्या होते हैं? संबंध बोधक शब्द बदलते नहीं, इन पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए संबंध बोधक
जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ निकलता है वे क्या होते हैं? वे सार्थक शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। इसलिए आप यहाँ पर क्या फिल करोगे? आपको यहाँ पर फिल करना है सार्थक, ठीक है। तो हम अब एक बार ब्लैक बोर्ड में मैच कर लेते हैं। पहले व्यक्ति स्थान में हमने क्या फिल किया है? योगरूढ़। खारे के स्थान में हमने फिल किया विकारी। गा में हमने फिल किया है अर्थ। घा में हमने फिल किया है अविकारी। और अंगा में फिल किया है सार्थक। तो बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति आपने अब मैच करी कि आपने सही की थी। अगर नहीं की थी तो सुधार करें, और अगर आपने बिल्कुल सही किया था तो कंग्रेचुलेशंस। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो है वो नंबर जोड़े मिलाइए। जोड़े मिलाइए, देखिए पहले आपको एक साइड पे मैं पढ़ के बता रही हूँ, फिर मैं दूसरा दूसरे तरफ से पढ़ूंगी, फिर मिला करूंगी, ठीक है। पहला है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तीसरा है देशज शब्द। तीसरा चौथा है विदेशी शब्द। और आखिरी हमारा सार्थक शब्द। अब क्या है, सभी की परिभाषाएं दी गई है और आपको उनको उनसे मिला देना है। देखिए दिया गया है विदेशी भाषाओं के लिए शब्द, फिर ऐसे शब्द समूह जिनका निश्चित अर्थ हो, फिर संस्कृत की मूल शब्द, फिर आवश्यकता अनुसार बना लिए गए, और फिर है संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप। तो बच्चों मिलान करने में पहला क्या है? तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के मूल शब्द होते हैं। तो इसको हम किससे मिलाएंगे? संस्कृत भाषा के मूल शब्द। इसके बाद दिया गया है तद्भव शब्द। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप। इसको आप किससे मिलाएंगे? संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप। इसके बाद है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द वे होते हैं जो आवश्यकता अनुसार बना दिए जाते हैं। तो इसको आप मिला देंगे देशज शब्द को आवश्यकता अनुसार बना लिए गए शब्द। इसके बाद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द है वो विदेशी शब्द है। तो आप इसको मिला देंगे पहले से विदेशी शब्द है विदेशी भाषाओं के लिए, विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द। उसके बाद है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका अर्थ क्या होता है? कैसा होता है? निश्चित होता है। तो सार्थक शब्द ऐसे शब्द समूह जिनका निश्चित अर्थ होता है। तो बच्चों आपने मैचिंग कर ली होगी और ये सारी परिभाषाएं आपको याद भी रखनी है। अब आप पेज नंबर 18 में आ जाइए। पेज नंबर 18 में बोला गया है कि पेड़ की पत्तियों पर कुछ तद्भव तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हैं, उन्हें चुनकर आपको क्या करना है? अलग अलग करना है। तो बच्चों ये मैंने आपको पहले दिया था और ये है वो अभ्यास कर पेज नंबर 18 पे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पत्तियां दी गई हैं और इनसे आपको क्या करना था? तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग अलग करके इनके अलग अलग ब्लॉक के नीचे लिखना था। आइए देखते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले जब जाते हैं ऊपर की तरफ तो हमें मिलता है पत्ती में लिखा मिलता है पत्र। तो पत्र कैसा शब्द है? पत्र क्या है? पत्र हमारा तत्सम शब्द है। तो किस कॉलम में आएगा? तत्सम के कॉलम में आएगा। इसके बाद हमें मिलता है दूध। दूध क्या है? दूध हमारा तद्भव शब्द है।
नील काम बंदर। ठीक है तो बच्चों आपने अपने ये अभ्यास कार्य पूरे कर लिए होंगे और अब आपको आगे अपनी बुक की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी। इसके साथ ही आपको अगर रिटेन वर्क में अभी आपको केवल बुक भी करना है और आगे की क्लास में मैं आगे आपको बताऊंगी आपको क्या करना है और आपको सारी जितनी भी आपको शब्द से संबंधित परिभाषाएं हैं वो सारी परिभाषाएं याद रखनी है और उन्हें बार बार रफ कॉपी में लिख कर ही याद करनी है। ठीक है तो आपको मैंने मिलान कराई दी है आगे अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आने जारी करते हैं। थैंक यू। Morning students, welcome to our online classes and this is your science period and today we will continue our chapter number 3 and the name is Food and Health. In our previous class we discussed the topic diseases due to food habits. Let's recall. Diseases due to food habits. Okay, students. There are two types of diseases: lifestyle diseases. The second deficiency diseases. Okay, students. In our previous class, we discussed lifestyle diseases. There are three types of diseases: obesity. Second, diabetes, the last, blood pressure. Okay. The cause of the disease obesity is eating unhealthy junk food and fatty food, and the cause of the disease diabetes. Obesity and lack of exercise, unhealthy food habits. Okay, and the cause of blood pressure, high salt and sugar content in food, excessive consumption of oil and spicy food. Questions. Today we will start our next topic: deficiency diseases. Okay, students. The next topic is deficiency diseases. There are many types of diseases. Name of diseases, cause, symptoms, source of food to eat. With the help of this chart, we will discuss these diseases. Okay. The first one is processed food. Okay. And the cause of this disease is lack of protein. When we don't eat protein in this food, then this disease will happen, and the symptoms of this disease: swellings of stomach and legs, stunt growth, discolor hair, and the source of the food we eat, they are to eat pulses, eggs, meat, and fish. Students, first disease name is Buzzard Bone, and the cause of the disease: lack of protein. And the symptoms: swelling of stomach and legs, stunt growth, discolor hair. And source of food we eat: pulses, eggs, meat, and fish. And the second disease: marasmus. Okay. And the cause of the disease is lack of protein and carbohydrates. Okay. And the symptoms are overgrowth, giant, wrinkled
skin. Okay, students, the symptoms of the disease: poor growth, dry and wrinkled skin. And the source of food: wheat, eggs, sugar, full sugar potatoes. Okay, when we eat this type of food, okay, and the next disease is night blindness. Students, the cause of night blindness is lack of vitamin A. When we and the symptoms of night blindness is poor vision in dim light. And the source of the food, what we have to eat: vitamin A rich food such as carrot, mango, papaya, and green vegetables. Students, let's repeat. Repeat the chart. Name of disease, cause, symptom, source of food. Okay? And the first disease is possible. And the cause of this disease is lack of protein. And the symptoms: swelling of stomach and legs, stand good, discolored hair. And source of food: pulse, eggs, meat, and fish. Student, the next one is marasmus. Okay? And the cause of the disease is lack of protein and carbohydrates. And the symptoms of the disease: poor growth, dry and wrinkled skin. And the source of the food is wheat, eggs, and sugar potatoes. Students, and the last one, night blindness. Night blindness, and the cause of this disease is lack of vitamin A. And the symptoms of the disease is poor vision in dim light. And the source of food, vitamin A is food such as carrot, mango, and papaya. Students, the next disease is very big. And the cause of this disease is lack of vitamin B. And the symptoms are loss of appetite, loss of weight, nervous disorder. Loss of appetite, loss of weight, and nervous disorder are the symptoms of this disease very big. And the source of food, vitamin B is food. And what are the vitamin B is food? Pulse, nuts, and vegetables. Okay, students. And next disease is scurvy. And the cause of this disease is lack of vitamin C. And what is the cause of scurvy? Lack of vitamin C. And the symptoms are bleeding, gums, loosening of teeth, and loss of weight. And the source of the food, vitamin C is food. What are the vitamin C is food? Citrus food. And what is citrus food? Lemon, orange. Okay. And green vegetables and almonds. And the next one is rickets. Rickets. The cause of this disease is lack of vitamin D. And the symptoms are soft and deformed bones. And bow shaped legs. And the source of the food, vitamin D, this food. And vitamin D food means cod liver oil and milk and eggs. Okay, students, let's repeat this chart. And the disease is very big. Okay, and the cause of the disease is very big, lack of vitamin B. And the students, the symptoms of this disease is loss of appetite, loss of weight, nervous disorder. Okay, students, the symptoms of very big is loss of appetite, loss of weight, and nervous disorder. And source of food to eat, we have to eat vitamin B rich food. And what are the vitamin B rich food? Pulses, nuts, and vegetables. Students, the next disease name is scurvy. And the cause of the disease is lack of vitamin C. The cause of scurvy is lack of vitamin C. And the symptoms are bleeding, gums. And the second one is loosening of teeth. And the last one is loss of weight. Okay, students? And the source of the food to eat, what we have to eat?
between seed this pole. Okay? And between seed this pole means citrus pole. First number, citrus pole. And citrus pole are lemon, orange. Okay, students? And second one is green vegetables and onion. Okay? And the last one is rickets. The last disease name is rickets. And the cause of rickets is lack of vitamin D. The cause of rickets, lack of vitamin D. Explain the symptoms. The symptoms are soft and deformed bones. Explain the symptoms of rickets. Soft and deformed bones. And bow shaped leg. Okay, students, bow shaped legs. And the source of food to eat vitamin D rich food. We have to eat vitamin D rich food. And the vitamin D rich food are oat, liver, oil, and milk and eggs. Okay, students. We learned the deficiency diseases. Okay? And the next topic is food adaptation. What is food adaptation? Food adaptation is the process of altering the quality of food by either addition of low quality material or by extraction of valuable ingredient. Okay, students? Adaptation is done to increase the quality of food items. Okay? Students, food adaptation is illegal in Persian doing. It is liable to jail and fine. And students, last one thing, you have to avoid junk food. We all know that it is very harmful for us, like soft drinks, pizza, burger. Okay? Students, the class is over and note down your homework. Okay, students? Revise page number 37, 38 and 39. Revise page number 37, 38 and 39. And time 10 are words. Okay, students, our next term we will start the exercise. Okay. Good morning, students. I welcome you all online classes and social study teacher from Shivaji Group of Institutions. Students, today chapter number 3 and chapter name is Movement of the Earth. Okay. In previous class, we have learned this about this chapter. Our first heading is as given: rotation, okay, revolution, and next rotation of the earth, and day and night, revolution of the earth, season, okay. So, students, I will write this chapter topic's name. Number first, rotation of the earth. Now, number second, day and night. Third, revolution of the earth. Revolution of the earth. Now, number last topic in this chapter, seasons on the earth. Seasons on the earth.
Number 4, the earth rotation also causes plants and influence direction of plants. Answer is coming, tides and winds. Tides and winds. So students, I am repeating, fill in the blanks. Sir, our first answer is here, rotation and revolution. Number second answer is here, 1 year. Number third answer is here, revolution. Number fourth answer is here, tides and winds. Okay? Now, B question is here, tick the correct answer. Okay. First question has given, the earth spins from east to west. West to east, yeah, east to north. Answer is coming east to west. Okay, take east to west. Now, number second, the axis of the earth is tilted at an angle of 23.5. Kitne degree ka banata hai? 23.5. Okay, now number third point is here, the revolution of the earth causes change of season. So friends, see her rotation causes day and night, and revolution causes change of season. So answer is coming, the revolution of the earth causes change of seasons. Okay, now number 4 question is here, a leap year occurs in every 4 years. Okay, now E, question number E, give one word answer for the following. First question is here, the earth rotates on its axis. So answer is coming. Okay, and thank you for attending the class.